अपनी मांगों को लेकर राज्य के 24 जिलों में काम करने वाली सहिया बहनों का राज्य के मोराबादी मैदान में जुटान हुआ। इनकी मांग 12 सूत्री है, लेकिन महत्वपूर्ण मांगों में मानदेय बढ़ोतरी, स्थायीकरण और कोरोना संक्रमण के दौरान काम का भुगतान करना है। बता दें कि सहिया बहनें 24 जनवरी से आंदोलनरत हैं। अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने को लेकर महाजुटान कर अपनी एकता का प्रदर्शन किया। झारखंड के निवर्तमान राज्यपाल रमेश बैस को विदाई दी गई। इस दौरान रमेश बैस ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए सीएम हेमंत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हेमंत अच्छे नेता हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैं हेमंत को पसंद करता हूं। साथ ही कहा कि लिफाफा नहीं खोला ताकि झारखंड की सरकार अस्थिर न हो जाए। वहीं हेमंत सोरेन ने भी राज्यपाल के लिए अपने विचार रखे। सीएम ने कहा कि संवैधानिक अभिभावक के रूप में राज्य को हमेशा आदरणीय रमेश बैस का मार्गदर्शन मिलता रहा। महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त होने पर उन्हें राज्यवासियों की ओर से अनेक शुभकामनाएं। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंगल रांची व्यवहार न्यायालय के पीएमएलए कोर्ट में सशरीर हाजिर हुई। पीएमएलए कोर्ट में न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में अवैध खनन, मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप गठन पर सुनवाई होनी थी। इस दौरान पूजा सिंगल के अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि चार्ज फ्रेम के बिंदु पर सुनवाई के लिए समय दिया जाए। इसके बाद न्यायालय ने आरोप गठन के लिए सुनवाई की तिथि 1 मार्च को निर्धारित की है। राज्य स्तरीय सहाय योजना खेलकूद प्रतियोगिता मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम में शुरू हुआ। राज्य सरकार की ओर से नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में खेलों के माध्यम से युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गुब्बारा उड़ाकर किया। 16 से 18 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता में 5 जिले के करीब 40 टीमें और 520 प्रतिभागी शिरकत करेंगे। 14 से 19 वर्ष के बालक और बालिका फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और एथलीट्स में अपना जौहर दिखाएंगे। धनबाद में मुख्यमंत्री सारथी योजना का प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर उपायुक्त ने रवाना किया। उपायुक्त संदीप सिंह ने समाहरणालय परिसर से 4 प्रचार रथ को रवाना किया, जिसमें श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग की ओर से निकाली गई प्रचार रथ सभी प्रखंडों में प्रचार प्रसार करेंगे। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में रामगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के कई जगहों पर कई सभा को संबोधित किया। एनडीए के समर्थन में वोट की अपील करते हुए कहा कि इस बार आपको आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी को विजयी बनाना है। इस बार नारा दिया अब की बार 1.5 लाख पार और इस नारे को बुलंद करने की अपील की। साहिबगंज जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के नंबर 4 स्थित संचालित क्रशर प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों ने कई स्टोन क्रशर और माइंस की जांच की। डीएमओ विभूति कुमार ने बताया कि सीटीओ फेल क्रशर प्लांट संचालित होने की सूचना पर जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनका सीटीओ फेल हो गया है वह अपना क्रशर प्लांट हटा ले। पाकी में दो समुदायों के बीच बुधवार को हुए हिंसक झड़प के बाद पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। धारा 144 लागू कर दी गई है, साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। आईजी राजकुमार लकड़ा के नेतृत्व में पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। सीआरपीएफ जैप 1 के कमांडेंट इंद्रजीत महथा, एसपी धनबाद आलोक प्रियदर्शी समेत कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस अधीक्षक चंदन सिंह ने बताया कि मामले में 1000 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, वहीं 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। देवघर में जिला प्रशासन महाशिवरात्रि की तैयारी जोर शोर से कर रही है। महाशिवरात्रि के पूर्व बाबा वैद्यनाथ मंदिर और मां पार्वती मंदिर के गुमन से पंचशूल उतारा गया। देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की उपस्थिति में ढोल नगाड़ों के बीच मंदिर से पंचशूल उतारा गया। पंचशूल के स्पर्श के लिए मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसी मान्यता है कि पंचशूल के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। यह परंपरा बरसों से चली आ रही है। शिवरात्रि को लेकर कोडरमा में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोडरमा के ध्वजाधारी धाम में 2 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव में इस साल भी 2 लाख से ज्यादा शिव भक्तों के पहुंचने की संभावना है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में इसी ध्वजाधारी पहाड़ पर कद्रम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें ध्वजा और त्रिशूल दिया था, जिसके बाद से यहाँ आने वाले शिव भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने के बाद त्रिशूल और ध्वजा चढ़ाते हैं।